So, hey there boys and girls and welcome back again with the new video and guys, Pokemon Journeys के episode 131 के, मतलब Pokemon Journeys के episode 131 की summary आ चुकी है, and Pokemon Journeys का episode 131 है guys, जो जिसका title है The Finals 3, The Strongest, and ये वही episode है जिसके अंदर Ash vs Leon की final battle होने वाले, basically ये वही episode है जिसका recently preview आया था, and ये episode guys इसी Friday को आने वाला है, तो इस episode की summary आ चुकी है, जो कि काफी ज्यादा exciting है, मुझे पता आपको, मतलब आपको पता लगाना है कि इस episode में क्या होने वाला है, तो summary के अंदर वही होता है basically. के लिए पता चलता है कि एग्जैक्टली उस एपिसोड में क्या होने वाला है. सो या चलिए देखते हैं इस एपिसोड की समरी. सो गाइज, ये है पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 131 की समरी, जो कि बेसिकली इंग्लिश में है, आप पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ. तो सबसे स्टार्ट मिलेगा द मास्टर एट टूर्नामेंट फाइनल बिटवीन एश एंड लियोन कंटिन्यूज, यानी कि मास्टर टूर्नामेंट की जो फाइनल बैटल है, जो कि एश एंड लियोन के बीच में हो रही है, वो जारी है. उसके नीचे लिखा है गाइज, ऑल ऑफ एशेस पोकेमोन आर इन द टैटर्ड स्टेट, यानी कि एश के जितने भी एश के सभी पोकेमोन टैटर्ड स्टेट में. टैटर्ड का मतलब होता है गाइज पुअर कंडीशन, यानी कि उनकी हालत खराब है बेसिकली, बिकॉज एश के सभी पोकेमोन चारों के चारों पोकेमोन जो कि बचे वो बैटल कर चुके हैं, इसलिए वो थक चुके हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है. उसके नीचे लिखा, इवन सो लियोन स्माइल एट द साइट ऑफ एश एंड हिज पोकेमोन हु कंटिन्यूज द फाइट हिम विदाउट अ हेजिटेशन, यानी कि फिर भी एश एंड मतलब फिर भी एश एंड उसके सभी पोकेमोन को देखकर लियोन स्माइल करता है, जो कि खराब मतलब विदाउट हेजिटेशन, यानी कि बिना हिचकिचाहट के उनकी हालत खराब है, फिर भी वो सभी के सभी फाइट जारी रखते हैं. एंड गाइज, उसके आगे लिखा, इट्स अ बैटल बिटवीन अ स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर, यानी कि गाइज एक स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन के बीच में ये बैटल है. एंड उसके बाद उसके आगे लिखा गाइज, ये बैटल डिसाइड करेगी कि ट्रूली, यानी कि सच में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बैटल गाइज मतलब जो है, मतलब हर एक मूव पर जो है गाइस, ये जो गाइस एक बैटल जो इंटेंस एंड ब्रूटल हो रही है, यानी कि एक मतलब हर एक मूव के साथ ये जो बैटल गाइस और भी डीप इंटेंस एंड ब्रूटल हो रही है, यानी कि और भी खतरनाक होती जा रही है, यानी कि कोई भी हारने को तैयार नहीं है. एंड गाइस, या दैट्स इट फॉर दिस समरी. सो गाइज, समरी से हमें पता चलता है कि वो जो गाइज इस एपिसोड में क्या होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं बताने वाले, बिकॉज समरी के अंदर उन्हें कोई भी चीज़ नहीं बताई, ना ही एटोनाइटस के बारे में बताया, ना ही मैच स्टॉप होने के बारे में कुछ बताया, यानी गाइज वो सब कुछ जो सरप्राइज रखना चाहते हैं. फिलहाल उन्हें समरी के अंदर जो है फिलहाल सिर्फ जो है बातें गोल गोल घुमाई है जलेबी की तरह, बाकी कोई भी चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं कर दी. और सिर्फ इस समरी के अंदर से इतना ही पता चलता है कि ये बैटल के अंदर जो गाइज एश काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, बिकॉज उसके चारों पोकेमोन गाइज बैटल कर चुके हैं, लियोन के तीनों पोकेमोन फ्रेश है, एंड गाइज ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एंड ब्रूटल होने वाली है. एश के पोकेमोन्स के हाल बहुत ख़राब है, फिर भी वो हार नहीं मानने वाले, ना ही एश मानेगा, यानी कि ये बैटल देखने में सच में मजा आने वाला है. एंड में हमें सरप्राइज मिलेगा, बिकॉज एटरनेटस एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ है वो हमें इस एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा. तो पर्सनली इस एपिसोड के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आपको या नहीं कमेंट्स के अंदर बता देना, आपके कुछ ओपिनियंस आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए. वीडियो का लास्ट में जो पोके क्विज है उसका आंसर कमेंट्स के अंदर डाल देना, अगर आपके अगली वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट चाहिए होगा. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.